सतना जिले के भटनबारा गांव में गुरुवार को ही महिला की हत्या का राज खुल गया। पुलिस ने कातिल प्रेमी को गिरफ्तार किया, जिसने बड़े ही शातिराना तरीके से हत्या की और हत्या के राज को छुपाने में बड़ी साजिश रची। पोलियो ग्रसित पैर से दिव्यांग प्रेमी ने सोते समय डंडे से पीट पीट कर पहले हत्या की और खुद का हाथ पैर बांध कर नदी में छलांग लगाकर पुलिस को गुमराह करने की साजिश की। हालांकि कातिल का राज खुल गया और 55 वर्षीय दिव्यांग आरोपी रामपाल केवट गिरफ्तार हो गया। दरअसल पिछले 20 साल से प्रेम विपाशा ने बेबधे एक अधेड़ व्यक्ति की कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सब्जी का कारोबार करने वाले रामपाल केवट ने गाँव की ही मीना नाम की महिला से प्यार कर बैठा। दोनों अपने अपने परिवार से अलग होकर एक साथ रहने लगे और सब्जी उगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गुरुवार को मीना झोपड़ी में लाश रक्त रंजिश लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को नदी के किनारे रामफल मिला, जिसके हाथ पैर बंधे थे। रामफल ने दो अनजान व्यक्तियों पर मीना के डंडों से मारपीट कर हत्या की बात बताई और खुद को आरोपियों द्वारा हाथ पैर बांधकर नदी में फेंकने की। पुलिस रामफल की म्यान को सच बांध बैठी, लेकिन बारीकी से जांच पड़ताल करने पर शक की सुई रामफल तक पहुंची। पुलिस तहकीकात में रामफल ने जुर्म कबूल लिया। रामफल को शक था कि प्रेमिका मीना का किसी तीसरे व्यक्ति से संबंध हो चुका है। ऐसे में रामफल ने सोते समय महिला की हत्या कर दी। उचेरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। उचेरा में एक मीना केवट करके महिला के डेड बॉडी एक खेत में पड़े हुए बॉडी को मिला था, जिसमें सर और गर्दन पे चोट थे उनके, और उनकी एक उसमें उनके गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति रामपाल केवट ने हॉस्पिटल में जो एडमिटेड थे उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि कुछ लोगों ने मिलकर उसको मारा और इसको जो है बंधक बना के, ये भी वहाँ पे मौजूद थे, बंधक बना के नदी में फेंक दिया करके। पूरी मामले जो संदेहास्पद थे तो पुलिस ने इसको बहुत डिटेल में इसकी हमारे टीम क्राइम और साइबर की टीम ने विवेचना की, जिसमें ये सामने आ गई कि वही जो रामपाल केवट, उन्होंने ही उनका मर्डर किया था और साक्ष्य छुपाने के लिए अपने पैर खुद बांध के और बाकी जो वहाँ पर जो भी साक्ष्य था उसको कहीं छुपा दिया था, जैसे कि जो खून लगे हुए कपड़े वगैरह जैसे। पूरी मामला खुल गया, जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा था पुलिस ने उनके भी पूरे कहाँ उस समय घटना के समय कहाँ पे थे पूरे पुलिस ने उसको वेरीफाई किया, जिससे ये क्लियर हो कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे और ये है करके, और सारे साक्ष्य पुलिस ने जब्त किया। आरोपी हैंडीकैप भी और लंबे समय से उस महिला के साथ में वो रिश्ता रख रहा था, संबंध थे उनके, और उनके ज़मीन वगैरह भी बेच के उसको पूरा पैसा उस महिला को दिए थे। फिर से उस महिला के कैरेक्टर पे उनको शक होने लगे, कोई तीसरे व्यक्ति के साथ में महिला शादीशुदा भी है, तो उसको लेके कुछ विवाद हुआ, उसी से फिर ये मर्डर हुआ।